जी दोस्तों, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की वीडियो में मैं पशुपालक भाइयों के साथ शेयर करने वाला हूं कि जब गाय या भैंस फूल दिखाती है, पीछा दिखाती है, प्रोलैप्स की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस सिचुएशन में हम कैंची कह लीजिए, पेटी कह लीजिए या छिक्की कह लीजिए, तो किस प्रकार से लगाएंगे। और इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो आपके साथ पहले भी शेयर करी है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन वो भी जो है, आप उसमें होता क्या है, बहुत सारे पशुपालक भाइयों के कमेंट आए थे कि उसमें जो है जो ओवरलिप्स होते हैं जो योनि के यहां से, तो वो कई बार हट जाती है और पशु फिर से जो है पीछा दिखाना, पशु का पीछा बाहर निकल आता है। तो आज मैं जो आपको दिखाऊंगा उससे थोड़ी सी अलग दिखाऊंगा, तो उसमें आपको जो है ये डर नहीं रहेगा कि कहीं वो साइड में न हो जाए, तो जो है कहीं जो है दोबारा पशु जो है पीछा न दिखा दे। तो आज इस वीडियो में थोड़ी मैं आपको अलग तरीके से जो है कैंची लगानी बताऊंगा। तो सभी पशुपालक भाइयों से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, या आप जो है फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहां पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएंगे और चैनल स्क्रीन पर नंबर भी चल रहा है, और आप जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या, आपको एक रस्सी ले लेनी है, और रस्सी का मैं आपको बताऊं तो माप कितना ज्यादा, इस तरीके से आम भाषा में कहा जाता है कि इसको जो है तकरीबन ये हो जाती है 5 फीट के आसपास। तो आपको 5, 10 और 15 और डबल होगी तो 30 फीट के आसपास आपको रस्सी ले लेनी है। लेकिन स्टार्टिंग में इसको भी आपको वैसे ही बांधना होता है, जिस तरीके से पहले मैंने एक वीडियो डाल रखी है आपके लिए, आप जो भाई जो है, क्योंकि जब आपकी भैंस या गाय के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है तो हर किसी को ये लगानी आती नहीं है। आप आस पड़ोस में किसी को पूछते रहते हैं, क्योंकि मोस्टली जो है ये आती नहीं है किसी को लगानी। तो पहले आपको स्टार्ट कैसे करना है, आपको इसको दोनों सिरों को ऐसे गर्दन के नीचे से, ऐसे गर्दन के नीचे से आपको इसको निकाल लेना है, और फिर इसको एक समान करके पीछे से, और यहां पर आपको जो एक गांठ लगा देनी। अब यहां लगा दें या यहां लगा दें, ठीक है, इसकी गर्दन से ऐसे आपको एक यहां पर गांठ दे देनी है ऐसे। तो ध्यान से देखते रहें, कोई इसमें जो है ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, ये जो पशुपालन करता है उसको जो है बड़े आराम से आ जाएगी, और कभी भी इसकी आपको जरूरत इस चीज की पड़ सकती है। और साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और भी भाई जो है इसको लगाना सीख सके। तो यहां पर इसको ऐसे आपको लगा देना। तो यहां तक तो जो मैंने पहले आपके साथ वीडियो शेयर करी है उसमें भी आपको ऐसे ही नजर आई। फिर एक गांठ आपको जो है यहां पर दे देनी है थोड़ा सा। अब यहां पर गांठ देने के बाद यहां से इसको थोड़ा सा अलग जो है, हम यहां से अलग हो जाएगी, क्योंकि यहां तक तो पहले वाले की तरह ही आपको ये जो है लग रही होगी। तो यहां पर आपको गांठ दे देनी थोड़ा सा और ऊपर दे दे, यहां आनी चाहिए इस गांठ को। तो ये थोड़ा सा नीचे आ गई है और भैंस भी थोड़ी सी आनाकानी कर रही है, तो यहां पर ये गांठ आ गई है। अब आपको करना क्या है, मैं थोड़ा सा इसको साइड करके आपको दिखा रहा हूं। तो यहां से ऐसे करके फिर आपको इसके पैरों के नीचे से और पूंछ के यहां से इसको ले लेना है, एक तो ऐसे आपको निकाल लेनी है और यहां इसको बांध देना है। यहां पहले आप इसको थोड़ा ढीला बांध दे, बाद में आप इसको टाइट कर सकते हैं। दूसरी जो है आपको यहां से ले लेनी है, तो ये देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार से ले लेने के बाद यहां पर ये आप देखेंगे ये इस प्रकार से जो है। तो फिर आपको करना क्या है, आपको एक ये चीज ले लेनी है, ये मैंने आपको एक डेमो बना के दिखाया है। आप थोड़ा सा इसको जो है, मैं एक बार आपको लगाकर दिखा रहा हूं। पहला एक साइड में यहां पर बांध ले आप इसको कुछ इस प्रकार से, ध्यानपूर्वक आप देखते रहें, कोई डिफिकल्ट ज्यादा काम नहीं है ये। और दूसरा जो है, दूसरा जो है आपको ये डस रहेगी, ये आपको इस पे बांध लेंगे इस प्रकार से। तो और फिर ये नीचे का जो हिस्सा बच गया, नीचे भी आपको यहां पर इसको ऐसे बांध देना है। तो मैं एक बार बांध करके और फिर इसके बारे में बताऊंगा कि ये आपको बनानी कैसे है और कैसे इसका क्या बेनिफिट आपको जो है होगा। तो दोनों साइड में आपको कुछ इस प्रकार से इसको बांध देना है। ये हमने यहां पर इसको बांध दिया है, ये बांध दिया है यहां पर।
तो इससे होगा क्या, ये मैंने जो आपको दिखाई है ये जाली टाइप में बन गई है, ये आप देख सकते हैं। आपको ये एरिया यहाँ पे कवर करना, ये थोड़ी आप इसको जो है ऊपर, मैंने थोड़ा नीचे बांधा है तो आप थोड़ा ऊपर बांध सकते हैं। और ये जो यहाँ पर, ये आपको खांचे दिखाई दे रहे होंगे, मैं साइड में करके दिखा रहा हूँ। तो ये तो इस प्रकार से आपको ये बना लेने हैं, और इनमें जो है आपको एक एक इंच का गैप रखना है। मैंने चार बनाए हुए हैं, एक दो तीन चार, तो आप इसमें जो है सात आठ तक बना सकते हैं। और नीचे भी मैंने आपको दिखाने के लिए चार बनाए हुए हैं, तो आप इसको जो है चार इंच जो है चौड़ा और छह इंच लंबा आप इसको कर सकते हैं। ये ज्यादा लंबा चौड़ा है, तो इस हिसाब से पशु जब बैठेगा तो इससे बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि कई सारे भाइयों ने पूछा भी था कि जो हमने पहले मैंने वीडियो डाल रखी है और उसको देखकर जिन पशुपालक भाइयों ने इसको जो है लगाया है, तो यहाँ पर पशु जब डिलीवरी होती है तो पशु की स्किन जो है नरम पड़ जाती है, तो उससे होता क्या है पशु को यहाँ पर जो है निशान पड़ जाते हैं। लेकिन इससे ये प्रॉब्लम नहीं होगी, इससे ये इस प्रकार हो जाएगी। और जब पशु बैठेगा पीछे की तरफ जो है उसका जोर होगा, तो ये अब थोड़ी सी लूज लग रही, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप ये छोटी बांधे, मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ी बड़ी आपको लग रही है, तो उससे पशु बैठेगा तो बाहर नहीं आएगा और ना ही पशु की स्किन कटेगी। अगर आपको जो है सूत की रस्सी ले लेनी है सारी, अगर आपको कहीं लग रहा है कि ये कट रहा है तो आप वहां पर जो है कपड़ा उस पर लपेट सकते हैं। तो कपड़ा लपेटने से ये जिस तरीके से यहाँ है, यहाँ पर आप कपड़ा लपेट सकते हैं, यहाँ पर कपड़ा लपेट सकते हैं, और इस प्रकार से आप लगा लेंगे तो ये जो है पहले वाली से ज्यादा सेफ है। उम्मीद करता हूँ ये आपको लगानी आ गई होगी। ये जाल मैंने आपको दिखाया है तो ये आपको जो है बांधना आ गया होगा। तो इस वीडियो को और भी भाइयों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि इस प्रकार की जो जिनके साथ प्रोलैप्सी की भैंसों के साथ प्रॉब्लम होती है, डिलीवरी के बाद भी हो सकती है और पहले भी हो सकती है, तो वो इस प्रकार से जो है लगा सके। और साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे भी आपको इस प्रकार की अपडेट मिलती है।